हाय हेलो दोस्तों, बॉलीवुड न्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, तुम्हारा दोस्त फिर हाजिर है बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज के साथ। तो दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, एक बहुत ही लेटेस्ट खबर आ रही है मेरे पास और बहुत ही बड़ी खबर आ रही है कि राजमौली की फिल्म में अब हमें आमिर खान भी दिखाई देंगे। तो दोस्तों, राजमौली एक फिल्म बना रहे हैं, उस फिल्म का नाम है RRR। इस फिल्म में हमें NTR जूनियर दिखेंगे और उनके साथ रामचरण भी दिखाई देंगे। तो दोस्तों, इस फिल्म में और भी कलाकार हैं जैसे अजय देवगन और आलिया भट्ट भी इस फिल्म से जुड़ गए हैं। तो दोस्तों, अब एक नाम और जुड़ गया है इस फिल्म में और वो है आमिर खान का। तो दोस्तों, आमिर खान इस फिल्म में एक्टिंग करते हुए नजर नहीं आएंगे, वो इस फिल्म के लिए अपनी सिर्फ वॉइस देंगे क्योंकि यह फिल्म 10 भाषाओं में बन रही है। आमिर खान इस फिल्म में वॉइस देंगे, जो इस फिल्म की डबिंग हिंदी में होगी तो उसकी आवाज़ आमिर खान इस फिल्म में देंगे। तो दोस्तों, यह बहुत बड़ा सरप्राइज है, जैसे लगान फिल्म में अमिताभ बच्चन ने अपनी आवाज दी थी। तो दोस्तों, ऐसे ही आमिर खान भी हमें हिंदी की डब फिल्म जो बनेगी, इसकी डबिंग होगी हिंदी में RR फिल्म की, तो उसके लिए आमिर खान अपनी इस फिल्म में वॉइस देंगे और वह रजामंद भी हो गए हैं। तो दोस्तों, यह बहुत बड़ी खबर है। तो दोस्तों, अब हमें एक ही फिल्म में राजमौली के साथ आमिर खान भी दिखाई देंगे। तो दोस्तों, इस फिल्म का बजट जो है काफी बड़ा है और इस फिल्म का बजट है 400 करोड़ रुपए। तो दोस्तों, इस फिल्म की शूटिंग कोरोना वायरस के कारण हो नहीं रही थी, रुक गई थी, तो अब अक्टूबर से इस फिल्म की शूटिंग चालू हो गई है और 2021 तक इसकी हमें उम्मीद है कि 2021 में इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी और फिर इसकी रिलीज डेट सामने आ जाएगी। तो दोस्तों, यही मेरे पे लेटेस्ट न्यूज आई जो मैंने आपके साथ शेयर की। प्लीज़ अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, मैं फिर मिलता हूँ बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। बाय।